चार डिग्री तापमान में हाफ टी शर्ट पहनकर क्यों घूम रहे राहुल? सामने आया सच। कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी की टी शर्ट पर उठे सवाल, तो उन्होंने खुद ही खोल दिया राज। सर्दी में भी गर्मी का एहसास ऐसे ले रहे राहुल, चर्चाएं हुई तेज, लोगों ने यहाँ तक पूछ लिया कौन सी दवा लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का न्यूनतम पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, मगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भी हाफ टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मौजूद लोगों ने ठंड से बचाव के लिए मोटे मोटे ऊनी वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में ही कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रवास के दौरान भी राहुल गांधी ने हाफ टी शर्ट ही पहन रखी थी। हाड़ कपाने वाली ठंड में राहुल की टी शर्ट को लेकर अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग राहुल गांधी को ठंड का एहसास न होने का राज जानना चाहते हैं। खुद राहुल ने इसको लेकर अब अपनी बात सामने रख दी है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी गर्मी के दिनों की तरह हाफ टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन दिल्ली पहुंची थी, उस दिन भी राहुल गांधी इसी वेशभूषा में नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान भी राहुल गांधी टी शर्ट में ही दिखाई दिए। राहुल गांधी के कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहनने पर एक यूजर ने पूछ लिया, आप ही बता दें आपकी फिटनेस और एनर्जी का राज क्या है। एक यूजर ने अपनी राय जताई कि राहुल गांधी का रेजिस्टेंस पावर इतना ज्यादा है कि भीषण ठंड में भी वे सिर्फ टी शर्ट पहनकर ही काम चला रहे हैं। एक यूजर ने तंज भी कसा और लिखा, सचमुच पैसे में काफी गर्मी होती है। एक अन्य यूजर ने लिख दिया कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ क्योंकि वे भीषण ठंड में टी शर्ट पहन रहे हैं। जब ये सवाल राहुल गांधी के सामने पहुंचे, तो उन्होंने भी अपनी भाषा में इसका जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, देश के गरीबों, छात्रों और किसानों से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि उन्हें ठंड का एहसास क्यों नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रवास के दौरान भी ये मुद्दा काफी तेजी से उठा था और राहुल गांधी ने कह दिया है कि जब तक चल रहा है वो ऐसे ही काम चलाते रहेंगे। आजकल घर परिवारों में भी लोगों की बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार राहुल गांधी के टी शर्ट का राज क्या है। लोग इसे लेकर काफी हैरानी भी जता रहे हैं क्योंकि दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कह दिया था कि राहुल गांधी को देश हित में ये बताना चाहिए कि वे कौन सी दवा खाते हैं जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती। उन्होंने कहा कि देश हित में राहुल गांधी को ये बात बतानी चाहिए ताकि हम सेना के जवानों को भी ये बता सकें और भी ठंड में अपना बचाव कर सकें। हरियाणा के कृषि मंत्री को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान भी सामने आया। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी की चमड़ी मोटी है, इस कारण उन्हें ठंड नहीं लगती। उनका कहना था कि हरियाणा के कृषि मंत्री को इसके अलावा मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। जिस यात्रा को लेकर चर्चाएं होनी चाहिए उस पर तो नहीं, लोग उनके पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।